अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं पंजाबी कड़ी, वो भी मेरे स्टाइल से। मेरा स्टाइल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं कभी भी दही से कड़ी नहीं बनाती। मैं हमेशा पहले मक्खन बनाती हूँ, उसके बाद उसका घी बनाती हूँ, उसके अंदर जो लस्सी बचती है मैं उससे कड़ी बनाती हूँ। तो ये कम से कम मेरे पास 3 पाव दही की मैंने लस्सी बनाई है। ये जग भर गए, देखिए उसके ऊपर मक्खन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने मक्खन निकाला था तो थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया था। अच्छा लगेगा ये। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 चम्मच ये भर के बेसन के, 1 मीडियम मैंने प्याज ली है। ये लस्सी मैंने इसी में से थोड़ी सी निकाली, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेसन जो है उसको बीट कर लेंगे, तो आराम से इसके थोड़ी भी लस्सी के अंदर आराम से इसको बेसन को मिक्स कर सकेंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल इसलिए कम लिया है क्योंकि हम जब बिघार डालेंगे तो बिघार में भी ऑयल डलेगा। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है। थोड़ी सी मिर्ची मैंने काट ली है, हरी मिर्ची, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। पकौड़े के लिए मैं बाद में सारी चीज़ें बताऊंगी, वरना अभी बताऊंगी तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो चलिए पहले अपना इसको तैयार करते हैं। अपना बेसन जो है, वो जो हमने थोड़ी लस्सी ली है, इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। लम्स भी रहने चाहिए इसमें। चलिए जी, देखिए हमारी गर्म है, हमने इसमें डाल दिया ऑयल। चले, 1 मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था। बहुत ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे प्याज को, बस हल्का सा कलर चेंज होगा तो बाकी चीज़ें हम डालना शुरू कर देंगे इसमें। कड़ी बहुत मज़े की बनती है, अगर आप लस्सी से बनाएंगे तो कड़ी बहुत मज़े की बनती है। शुरू से मैं जब से ही बनाती आ रही हूँ, मैंने कोशिश की है हमेशा, क्योंकि मैं कभी दही की बना लूँ तो मुझे पता नहीं आता। देखें, प्योर पंजाबी स्टाइल, बस देखती पंजाबी नहीं है, मतलब के मट्टी की। चले, ये हल्का सा ब्राउन हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ भी प्याज थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी। रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कूटी हुई हरी मिर्ची, बारीक बारीक काटी, बिल्कुल कूटी जैसी हो गई है। तीस सेकंड हम इसको देंगे। देखिए तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भून रही हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रेड करने की प्याज की ज़रूरत नहीं होती, चाहें तो हम कच्ची भी डाल देते। पंजाब में तो हम लोग डाल देते थे कच्ची प्याज भी कड़ी के साथ ही, वहाँ तो स्टाइल ही एक अलग था। चलें, अब जो मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है ये इसमें डालूँगी। जीरे की भी खुशबू आना शुरू हो गई है, ये भी तकरीबन भुन गया है। थोड़ा सा नीचे लग रहा है, हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। और इसके साथ ही हम डाल देंगे जो हमने मिर्च, नमक और हल्दी ली है। तो भून लेंगे अच्छी तरह से। भले थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भूनें ताकि आपका मसाला अच्छी तरह से भून जाए। देखिए बस 1-1.5 मिनट इसको भूनेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
कढ़ी तकरीबन पूरी दुनिया में मुझे लगता है बहुत शौक़ से खाई जाती है, कढ़ी चावल, कढ़ी नान, कढ़ी पकौड़ा बहुत तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। चलिए ये देखिए ये हमारा मसाला भुन गया, अब इसमें डालेंगे हम अपनी लस्सी। ये देखिए इसके ऊपर बहुत सारा मक्खन था, मैं ऐसे ही निकाल के डाल देती हूँ ताकि ये उछले नहीं, बाहर ना गिरे मेरी कढ़ी लस्सी मेरी जग में से, वरना मैं ऐसे ही डाल देती डायरेक्ट। ये हो गई हमारी लस्सी, और ये जो हमने बीट किया है इसमें ये डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। मैंने ये कल से बनाई हुई है लस्सी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी चीज़ डालने की जिससे कि लस्सी कढ़ी को खट्टा करना पड़े, ये वैसे ही खट्टी हो जाएगी, ये पकेगी तो बहुत मज़े की बनेगी। देखिए कोई इसमें लम्स नहीं है, उबलने तक हम इसके साथ रहेंगे, इसको ऐसा ऐसा चम्मच फिराते रहेंगे, जैसे ये बॉयल हो जाएगी तो हम चूल्हा स्लो कर देंगे, चम्मच इसके अंदर ही छोड़ देंगे और हल्का सा ढक्कन ढकेंगे। चम्मच अंदर छोड़ने का मकसद ये होता है कि आप कढ़ी जो है वो बाहर नहीं आएगी, अगर आप चम्मच अंदर नहीं रखेंगे तो कढ़ी जो है वो बाहर को आना शुरू हो जाती है। ये भी एक टिप है, मैं हमेशा आजमाती हूँ, आप भी आजमाइए। देखिए ये ऊपर आ रही है, इसमें बॉयल आ गया, मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाली थी ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाए, आपको पता है कढ़ी का जो कलर है वो बहुत अहमियत रखता है, तो थोड़ी सी हल्दी डाली थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। ये उबलने पर आ गई है, अब हम इसको बिल्कुल स्लो करेंगे चूल्हे को, चम्मच इसका अंदर ही रहने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसको देखते रहेंगे। एक घंटा तो पक्का लगेगा इसमें कढ़ी में, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया जी, तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम जब तक अपने पकौड़े बनाएंगे तब तक इसको पकने देंगे। अच्छा मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, आपने देखा होगा मैंने पानी इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैंने ऑलरेडी लस्सी बनाई थी और मेरी लस्सी में बहुत सारा पानी था। अगर आप दही से बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें पानी ज़रूर डालिएगा, जितनी आपने पकानी हो जितनी आपने गाढ़ी रखनी हो। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी होगी तकरीबन आधे घंटे में, तो चले पकौड़ों का मसाला तैयार करते। तो पकौड़ों के लिए मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिया है, आपकी मर्ज़ी है आपने जितने पकौड़े बनाने हो आप उतना बेसन लीजिए। 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, थोड़ा मैंने हरा धनिया काट लिया है, 2-3 मैंने हरी मिर्ची काट ली है, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है, 1/2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्ची ली है, ये धनिया मैंने साबुत लिया है जिसको मैंने उसमें कूट लिया है, मोटा मोटा कूट लिया पकौड़ों में अच्छा लगता है, ये मैंने 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, पानी लिया है, पानी देखते हैं कितना इसमें लगता है। तो चलिए अपने इसको मिक्स करते हैं, हम डालते हैं अपना हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये हो गए हमारे, बहुत मोटे नहीं काटे हैं मैंने प्याज, दरमियाने हैं, बारीक में आएंगे तकरीबन, और ये जो हमने लिए हैं मसाले वो हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बेसन कम लिया है। तो जो नॉर्मल मैं पकौड़े बनाती हूँ घर में उसके अंदर मैं लच्छेदार प्याज डालती हूँ क्योंकि लच्छेदार प्याज जब उसको तली जाती है तो बहुत क्रिस्पी हो जाती है, बहुत मज़े की होती है वो। तो कढ़ी के हिसाब से ये सही है छोटी प्याज थोड़ी, ये हमने मिक्स कर लिया, अब इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए रखते हैं। चलिए जी तकरीबन 45 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ये गाढ़ी हो चुकी है, हम इतनी ही चाहिए क्योंकि हम जब इसके अंदर पकौड़े डालेंगे तो पकौड़े भी इसको कढ़ी को गाढ़ा करेंगे और दूसरा वैसे भी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तेल हमारा फाइनली गर्म हो गया, हम बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़े थोड़े हम बिल्कुल छोटे छोटे करके इसमें पकौड़े डालते हैं। थोड़े से नीचे से पक जाएंगे तो हम इनको टर्न करेंगे, बल्कि ये खुद ब खुद ही ऊपर आते जा रहे हैं,
जैसे जैसे पकते जा रहे हैं ऊपर आते जा रहे हैं। देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं, अंदर से भी पक गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हो, मुझे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले जी, हमारा दूसरा राउंड भी डन हो गया, पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। इसमें छोटे पकौड़े इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि जब ये कढ़ी में जाते हैं तो फिर वो बहुत फूल के मोटे मोटे से हो जाते हैं। ये छोटे पकौड़े ही कढ़ी में जाके फूल के बड़े हो जाएंगे, इसलिए इसका रीज़न है कि थोड़े पकौड़े जो है ना वो छोटे बनाए जाएँ। तो पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। चले जी, अभी हम अपनी कढ़ी के लिए भिगार तैयार कर रहे हैं। एक अदद हमने प्याज लिया है, प्याज को हम लाल करेंगे। इसके साथ ही मैं 5-7 गोल मिर्ची डाल दूंगी क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके साथ हम डालेंगे कड़ी पत्ते, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको भी इसके साथ ही फ्राई करते हैं। चम्मच नहीं छोड़ना है ताकि आपकी प्याज जो है वो जल ना जाए। चलें ये देखें, ये गोल्डन हो गई। अब हम इसमें डालते हैं ज़ीरा। ज़ीरा हमने बाद में डाला है क्योंकि ये फ़ौरन से पटक टक की आवाज़ आना शुरू कर देता है और भुनता भी बहुत जल्दी है। चलें जी, हमारे बघार तैयार हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। फ्लेम अपना ऑफ करते हैं। गरम मसाला डाल रही हूँ, पिसा हुआ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।